तो गरीब साइंटिस्ट में सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे इंडिया के 2020 के साइंस अचीवमेंट्स के बारे में। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको बताया हर साल मैं ये करता हूँ, एंड में 2016 से करते आ रहा हूँ, ये 2020 का एडिशन, तो ये फिफ्थ ईयर है। ये साल काफी इंटरेस्टिंग रहा है। एक चीज आगे बढ़ने से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हो सके तो अपना फोन साइड में रखो और बस सुनो ये जैसे आपका दोस्त एक्सप्लेन कर रहा है आपको, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल मजा आएगा। तो ये साल काफी इंटरेस्टिंग था, पेंडेमिक हुआ पर काफी सारे साइंस अचीवमेंट्स भी हुए। तो आप बोल रहे रहेंगे कि बक बक बंद कर, चालू कर दे, करता हूँ मैं चालू। सबसे पहले तो सब डॉक्टर्स को थैंक यू जो काम कर रहे हैं। मुझे बताया काफी डॉक्टर्स को हॉलीडे नहीं मिला है, 6-7 महीने से बिना हॉलीडे के काम कर रहे हैं सब। थैंक यू डॉक्टर्स को, इन्हीं सबको जो इन्वॉल्व थे, मतलब पुलिसमैन, रेलवे एम्प्लॉयज, बस एम्प्लॉयज, इवन आपकी कंपनी के आईटी पीपल जो सडनली स्ट्रेस हो गए थे वर्क फ्रॉम होम की वजह से, तो उन सबको थैंक यू। तो हम उसी से शुरुआत करेंगे कि कोविड के टाइम क्या हुआ और इंडिया ने क्या अचीव किया। तो मेरे पास टोटल 18 अचीवमेंट्स है बताने के लिए आपको, इससे ज्यादा भी थे, मैंने 18 चुन के सिलेक्ट किए। तो सबसे पहले मार्च में जन में ऐसा ये होने लगा कि वायरस आ रहा है, इंडिया के पास वेंटिलेटर्स नहीं है, ना इंडिया के पास मास्क कैपेबिलिटी है, ना इंडिया पीपीई किट्स बनाता है। इंडिया के इंजीनियर्स, इंडिया के साइंटिस्ट आगे आए और इनके सब प्रॉब्लम्स को एक बारी में सॉल्व किया। सबसे पहले तो पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो डॉक्टर्स पहनते, जो उन्हें सील करता है बाहर से, वो इंडिया इंपोर्ट करती थी, नेट इंपोर्टर था इंडिया, एंड सब स्टेप्स लिए गए और अभी इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर है, शायद वो थर्ड वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट पीपीई किट एक्सपोर्टर। फिर मास्क भी बनाने लगा इंडिया N95 वगैरह, और उससे भी बड़ा इशू चल रहा था वेंटिलेटर का, क्योंकि अगर आपको तभी याद है तो कोविड केस में रिसर्च उतना डीप था नहीं, हमें ज़्यादा पता नहीं था कोविड के बारे में, और यही था कि इंडिया को काफ़ी वेंटिलेटर्स लग सकते हैं अगर इवन 10% ज़्यादा सीरियस होता है तो। तो फिर इंडिया के इंजीनियर्स आगे आए, काफ़ी सारे IITs वेंटिलेटर्स वगैरह बनाने लगी। उनमें से एक जो IIT कानपुर बना रहा था, उसके एफर्ट को मैंने कवर भी किया था, उस पर वीडियो भी बनाया था, IIT कानपुर के अमिताभ सर और उनकी नोका रोबोटिक्स की टीम, जो आज वेंटिलेटर उनका प्रोडक्शन में है और काम भी कर रहा है काफ़ी हॉस्पिटल्स में, और यही नहीं वो और भी ज़्यादा मेडिकल डिवाइसेस बनाने लगे हैं। तो इतने शॉर्ट टाइम में वो लोग ने अंडरस्टैंडिंग ली, उन्होंने इंजीनियर किया एक प्रोडक्शन सोल्यूशन जो सेफ है। तो काफ़ी मानना पड़ेगा अपने साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को। काफ़ी सारे कॉलेजेस ने स्टार्ट किया था, एक पॉइंट पे हर एक कोने का हर एक कॉलेज वेंटिलेटर बनाने पे तुला था। काफ़ी लोग गुस्सा थे कि क्या हर एक बना रहा है, बट ठीक है, सबका एंथुजियाज्म था, खुशी पे क्यों अब पानी फेरना। तो ये रहा तभी इंजीनियरिंग सिचुएशन। और फाइनली वैक्सीन्स, इंडिया के भी लोग वैक्सीन्स बना रहे थे, और अगर आपने मेरा भारत बायोटेक वर्सेस वो वाला जो है वैक्सीन्स फॉर इंडिया वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, उसमें सब डिस्कस कर रहा हूँ। इंडिया में दो करंटली वैक्सीन्स काफ़ी आगे है, वो है जाइडस कैडिला का और भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, और दूसरे कंपनीज भी है जो बना रहे हैं। तो ये मैं मानूंगा एक कोविड रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग है फर्स्ट अचीवमेंट्स, अभी जाके जल्दी जल्दी हम बाकी के 17 देख लेते हैं। सेकंड आता है CSIR का हाइड्रोजन कार, CSIR KPIT ने जो साथ में बनाया, CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये बहुत बड़ी है, आपने सुना ही होगा, काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो उन्होंने KPIT के साथ कोलैबोरेट किया, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार बनाई। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप प्रेशराइज्ड हाइड्रोजन पास करो तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और उसका जो आउटपुट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं, वो सिंपल पानी होगा, और वो पानी बहुत ज़्यादा क्लीन होगा। तो इन्होंने सेल बनाया, इन्होंने एक रेट्रोफिट के एक एग्जिस्टिंग कार के ऊपर मॉडिफाई की उसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल और इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, और इट वर्क, उनका काम किया, सब कुछ ठीक से चला। हाइड्रोजन कार्स काफ़ी क्लीन हो सकती है, आप देख सकते हो आउटपुट बस पानी है उसका, वो भी क्लीन, पर बिगर चैलेंज जो है वो हाइड्रोजन प्रोडक्शन में है। तो मैं जानना चाहूँगा CSIR क्या कर रहा है उसके लिए, क्योंकि वो एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करना, फिर हाइड्रोजन स्टोर करना एक और सेपरेट चैलेंज, उसे ट्रांसपोर्ट करना वो अलग ही लेवल का चैलेंज। तो ये देखने लायक होगा कैसे क्या जाता है, कैसे क्या होता है, देखेंगे, तो बट काफ़ी बड़ा अचीवमेंट। तीसरा अचीवमेंट है DRDO का सरप्राइज अनाउंसमेंट कि उन्होंने QKD डेमो कर लिया। QKD मतलब क्या? QKD मतलब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, टेंशन ना लो, मैं सब सिंप्लीफाई कर दूंगा इसी के लिए नहीं, आगे जो भी टॉपिक्स है उसके लिए भी। होता क्या है, यूजुअली जब हम एनक्रिप्शन की बात करते हैं, एनक्रिप्शन इन टर्म्स, अगर आप प्रोग्रामर हो, अगर आपने APIs वगैरह यूज़ किया, तो आपको पता है दो या चार कीज़ मिलती है, एक होती है सीक्रेट की, एक होती है API की, अगर कोई और ओवर वगैरह रहा तो वो चार कीज़ वगैरह, वो सब है, उसमें नहीं जाते डीप। ये कीज़ मैथमेटिकली रिलेटेड होती है, मतलब सीक्रेट कीज़ मैथमेटिकली रिलेटेड टू API की। अभी प्रॉब्लम ये है, क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो कॉम्बिनेशंस डिकोड करने में बहुत अच्छे हैं, और अगर आप उसे इनफ क्यूबिट्स दो तो वो सब कॉम्बिनेशंस क्रैक कर पाएंगे और हमें मिल पाएगा जो हमें चाहिए। तो ये इशू हो सकता है कि हमें की बता है, तो यही ये
चेंज करने देखते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जहां हम मैथ्स नहीं यूज करते एनक्रिप्शन के लिए, हम फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो जो ऑप्टिक फाइबर में लाइट पास होती है उसके फेजेस के थ्रू हम एक की शेयर करेंगे, और अगर कोई थर्ड पर्सन ऑब्जर्व करने देखता है तो वो क्वांटम स्टेट ब्रेक होगा और फिर वो नहीं कर पाएगा और एनक्रिप्शन भी ब्रेक होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये सरप्राइज था क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसरो नहीं तो DST जो अनाउंस करेगी उनके क्वेस्ट प्रोग्राम चल रहे हैं वो। एनीवेज मेरे को और सीखना है इसमें, तब जाके मैं कभी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। आप में से काफ़ी लोगों ने मांगा था पर आई नीड टू नो मोर। अगला आता है फोर्थ वन, मंगलयान के रिसर्च के बारे में, जिसने प्रूव किया कि मार्स एटमॉस्फेयर लूज कर रहा है डस्ट स्टॉर्म्स के वजह से। तो ये जो इसरो का मास ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान है, उसका जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है जिसका नाम है मेनका, उससे उन्होंने आर्गन डिटेक्ट किया आउटर एटमॉस्फेयर में। उन्होंने उनका डेटा मेवन यानी जो US का मास ऑर्बिटर उसके साथ कंबाइन किया और कंक्लूड किया कि मास एटमॉस्फेयर लूज कर रहा है। तो अलग साइड्स पे मेजरमेंट्स लिए गए थे, एक इवनिंग साइड पे, एक मॉर्निंग साइड पे, तो इन ऑर्बिटर्स का डेटा कंबाइन करके वगैरह उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले। अगर आपको और पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिफ्थ आता है, मेज टेलीस्कोप फाइनली लाइव हुआ। अब अगर आपको याद है तो 2017 में मैंने एक वीडियो बनाया था टेलीस्कोप्स ऑफ इंडिया करके, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वो वन ऑफ अ काइंड वीडियो जिसमें मैं पूरे इंडिया के सब स्पेस टेलीस्कोप्स की बात कर रहा हूँ। उसमें मैंने एक मिस्टर टेलीस्कोप के बारे में बोला था लास्ट में कि ऐसा है मेज टेलीस्कोप जो सीक्रेटिव है, काफ़ी सालों से कंस्ट्रक्शन में चल रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। बार्स के सोर्सेज के थ्रू कुछ कुछ पता चल रहा था कि उन्हें स्ट्रक्चरल विंड इश्यूज वगैरह आ रही है। वो फाइनली कंप्लीट हुआ, उनके इश्यूज सॉल्व हो गए। वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट गामा रे टेलीस्कोप है, 21 मीटर की डिश है उसकी, और वो एक पूरे नेटवर्क का पार्ट है गामा रे टेलीस्कोप नेटवर्क्स का। तो उन सबका डेटा कलेक्ट होके वो कंक्लूजन निकालता है, इंटरेस्टिंग है। सिक्स्थ है एक और टेलीस्कोप के बारे में जिसका नाम है एस्ट्रोसैट। ये इंडिया का मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप स्पेस में है और इसका खासियत यह है कि मल्टीपल वेवलेंथ ले सकता है वो, मतलब मल्टीपल टेलीस्कोप एक टेलीस्कोप के अंदर, वैसे समझो उसे। एस्ट्रोसैट ने वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सीज ढूंढ के निकाली। कैसे ढूंढ के निकाली? उसका एक डेडिकेटेड यूवी टेलीस्कोप है उसके ऊपर, उसके थ्रू। वो जो गैलेक्सी है वो ऑलमोस्ट 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो भी इसे ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि हबल की जो सेंसिटिविटी है यूवी लाइट को वो एस्ट्रोसैट से कम है और एस्ट्रोसैट की काफ़ी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी, और ये आयुका पुणे ने ये अचीव किया। आयुका ये सुना ही होगा, नहीं सुना है तो पढ़ लो उनके बारे में, काफ़ी डेटा के साथ वो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। उसके बाद आते हैं एक और डिस्कवरी, सेवन्थ वाला, वो भी एस्ट्रोसैट ही और वो भी आयुका पुणे ही। इसने नेबरिंग में ही एक ULXP यानी अल्ट्रा ल्यूमिनस एक्सरे पल्सर डिस्कवर किया। ये हमसे सेकेंड क्लोजेस्ट एक्सरे यानी ULXP है हमसे। तो ये एक और एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट बहुत कुछ करता रहता है, काफ़ी सारे उसके रिसर्चेस बाहर आते हैं, तो ये उनमें से दो पिछले साल, इस साल के जो भी है 2020 के। उसके बाद आता है अपना सुपर कंप्यूटर आठवा, जो है आठवा मतलब आठवा अचीवमेंट, जिसका नाम है परम सिद्धि। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर ये अभी वर्ल्ड का 63rd हो जाता है नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में। देखो अगर आप मल्टीपल सुपर कंप्यूटर्स कंबाइन करोगे तो वो एक सुपर कंप्यूटर बन जाएगा, उस केस में वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो इस केस में नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड में 63rd। ये मोस्टली AI के लिए बना है, तो ये NVIDIA के GPUs वगैरह यूज़ करता है, और इसका जो पीक परफॉर्मेंस है वो या पीक कैलकुलेशंस है वो 5.6 पेटाफ्लॉप्स पे है। तो मुझे पता है काफ़ी लोग मेरे सुपर कंप्यूटर वीडियो को अपडेट मांग रहे कि क्या है स्टेटस वगैरह, सही टाइम पाने पे कर दूंगा मैं, फिलहाल सही टाइम नहीं है। अगला रिसर्च यानी नाइन्थ, एक एंटी कैंसर ड्रग के बारे में जो टर्मरिक पे बेस्ड है। तो एक इंडियन साइंटिस्ट कुछ एक मेडिसिन या एक क्या बोलूँ मैं, मेरे को भी ये फुल्ली समझा नहीं है पर मैं स्टिल एक्सप्लेन करने ट्राई कर रहा हूँ। एक कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन है जिसका नाम है C-MYC। इसको अगर हम कंट्रोल कर पाए तो वो जो कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स है जो बाद में रोग सेल्स बन जाते हैं उसका प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। अब शायद ये मैंने गलत वे में एक्सप्लेन कर दिया रहेगा, पर टर्मरिक के थ्रू उन्होंने एक सिंथेटिक डेरिवेटिव निकाला ऑफ करक्यूमिन जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये फुल्ली कंक्लूडेड नहीं है शायद रिसर्च, पर चल रही है। अगेन मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं काफ़ी हेल्प लेना पड़ता है ऐसी चीज़ों को। टेंथ वाले पे आते हैं, टेंथ वाला है GMRT के बारे में। अगर आपने मेरा टेलीस्कोप वाला वीडियो देखा है तो आपको GMRT क्या है बताया है। ये है द जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। ये द लेट जो इसी साल मतलब चले गए हमको छोड़ के, गोविंद स्वरूप जी, उनका आइडिया था, वो काफ़ी लेजेंडरी एस्ट्रोनॉमर है। तो उन्होंने सेटअप किया था GMRT। काफ़ी ओल्ड है ये,
टेलीस्कोप अरे, काफी सारे ऐसे एंटेनास है, रेडियो एंटेनास। तो इन्होंने ये यूज किया, करीब 7000 गैलेक्सीज को पे रिसर्च किया, उन्होंने एटॉमिक हाइड्रोजन मेजर किया ओल्ड गैलेक्सीज में और न्यू गैलेक्सीज में, और कंक्लूड किया कि ओल्ड गैलेक्सीज के पास काफी ज्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल था, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ऑफ करंट गैलेक्सीज। और उनका कंक्लूजन ये है कि हाइड्रोजन के रिडक्शन की वजह से स्टार फॉर्मेशन भी रिसेंटली काफी रिड्यूस हो गई है। तो ये काफी बड़े अननोन क्वेश्चन का आंसर दिया है उन्होंने। 11th वाला भी GMRT पे ही है। तो GMRT इंडिया की थर्ड IEEE माइलस्टोन फैसिलिटी बन चुकी है। IEEE, अगर आप एक इंजीनियरिंग एसोसिएशन, अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपने सुना ही होगा, IEEE पे यूजुअली पेपर्स वगैरह पब्लिश होते हैं। GMRT को IEEE माइलस्टोन फैसिलिटी मिल गई है, थर्ड है। तो फर्स्ट टू क्या है, फर्स्ट है अपना डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रमन इफेक्ट जो CV रमन सर ने किया था, और सेकेंड CV रमन वाला है, और फर्स्ट है JC बोस का जो रेडियो वेव डेमोन्स्ट्रेशन किया था। माइलस्टोन फैसिलिटी मिलने के लिए काफ़ी सारे कंडीशंस हैं, उसमें से कुछ कि आपको 25 ईयर्स ओल्ड वगैरह रहना पड़ता है, सर्विस डेमोन्स्ट्रेट करने पड़ते हैं, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर वर्क कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें उनके कंडीशंस, ये बड़ी चीज़ है। 12वां आता है ITER का क्रायोस्टैट डिलीवर किया LNT ने। अगर ITER जो है एक बहुत बड़ा फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है, इसके ऊपर मेरा वीडियो अगले साल आएगा, मतलब 2021 में प्रॉमिस आएगा, मुझे पता है काफ़ी सारे प्रॉमिसेस किए मैंने जो कंप्लीट नहीं किए, बट ये आएगा, ये डेफिनेटली आएगा। मेरे को कुछ स्पेशल करना है इसके साथ, ऐसे ही वही इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है, कुछ स्पेशल करना है, देखेंगे। तो क्रायोस्टैट वो है जो क्रायोजेनिक फ्लो वगैरह टेम्परेचर मेंटेन करने वाला उसका पार्ट है ITER के फ्यूजन रिएक्टर का, जो ऊपर होगा और नीचे, मतलब क्रायोस्टैट को एक बेस है, वो पूरा एक असेंबली है। ये जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टील वैक्यूम चेंबर बनेगा, तो ये LNT ने उनके हजीरा फैसिलिटी में बिल्ड किया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा इन माय डेडिकेटेड वीडियो, तो तब तक सब्सक्राइब कर लो। S200 ये फर्स्ट ISRO अचीवमेंट इस बार, और शायद लास्ट ISRO अचीवमेंट है। अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है ISRO ही ISRO काफ़ी टाइम होता है भरे हुए अचीवमेंट्स, पर 2020 में ISRO काफ़ी डॉर्मेंट रहा, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी उससे। पर ये था उन्होंने S200 एक ह्यूमन, मतलब वो जो GSL Mark 3 पे साइड बूस्टर्स है S200, उसका एक वेरिएंट निकाल रहे गगनयान के लिए जिसका नाम है HS200, मतलब ह्यूमन रेटेड S200। तो उसका फर्स्ट सेगमेंट डिलीवर हुआ, याद रखो सेगमेंट डिलीवर हुआ है सॉलिड रॉकेट ने, मतलब उसमें फ्यूल नहीं है, वो आउटर शेल है, और फिर ISRO अपनी तरफ से उसमें फ्यूल डालेगा। तो ये डिलीवर हुआ फाइनली। तो अभी मुझे पता है काफ़ी लोग गगनयान कब हो गए होगा पूछ रहे, देखेंगे। तो ये LNT ने डिलीवर किया, LNT भाई मज़े है, इनके मस्त काम करते। अब और कुछ बचे हैं अचीवमेंट, उससे पहले मैं बोल दूँ स्किप मत करना, पाप लगेगा। अगर आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली तो ज़रूर मेंबरशिप ज्वाइन करना कंसिडर करो, आपको काफ़ी कुछ मिलेगा रिटर्न में, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने मिलेगा, ISRO के वॉल पेपर्स मिलेंगे, हम डिस्कॉर्ड पर बातें वगैरह करती, ये इनफैक्ट इस वीडियो के लिए काफ़ी इनपुट डिस्कॉर्ड से आए। तो 29 रुपीज़ से ही स्टार्ट होता है, उसके ऊपर भी है, वो आपकी मर्जी ज्वाइन करना है तो, बट 29 में मोस्ट मिल जाएगा, आपके ऊपर है, ज़रूर कंसिडर करो ज्वाइन बटन दबाना। अब आते हैं 14th नंबर पे, और वो इंडियन रिसर्चर्स ने क्यूकम्बर पील, यानी अब क्यूकम्बर को हिंदी में क्या कहते हैं, खैर क्यूकम्बर की अब समझ लो यार, फील ले लो, क्यूकम्बर पील को लेके बायोप्लास्टिक्स बनाने की कोशिश की। ये IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स ने ट्राई किया जो सेल्यूलोज नैनो क्रिस्टल्स बनाने जो क्यूकम्बर पील जो वेस्ट होता है उससे, और इसका बेस्ट थिंग ये है कि ये इजिली बायोडिग्रेडेबल है। तो वो सिंगल यूज फूड पैकेजिंग के लिए इसे प्रोडक्शन वेरिएंट बनाने ट्राई कर रहे हैं। मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैंने एक लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसमें जाके पढ़ सकते हो, मतलब मैं सबके लिंक्स है, तो अगर आपको और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, टेंशन नहीं। 15th वाला आता है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को फाइनली ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन मिल गया, प्रॉपर हाई स्पीड कनेक्शन जो चेन्नई से वो कनेक्टेड है, पहले नहीं था, तो अगर कोई अंडमान से है तो हेलो। 16th वाला इंडियन सॉल्यूशन टू रेटिनल पिगमेंटोसा, अभी ज़्यादा टेंशन ना लो ये वर्ड सुन के, होता है क्या है कुछ केसेस में कुछ लोगों का रेटिना जो है डीजनरेट होता है। अगर आपने ये सुना है ओल्ड लोगों के अंदर मैक्युलर डीजनरेशन करके होता है, अब मैक्युलर डीजनरेशन क्या मतलब, क्या डीजनरेशन ये तो समझा होगा आपको, मैक्युलर मतलब आपके आई के दो मेन जोन्स होते हैं देखने के, एक है आपका मैक्युलर और एक है आपका पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल विजन वो साइड का विजन है जो आपको वाइड विजन मिलता है, मैक्युलर आपका बीच वाला जो आप जिससे आप पढ़ते हो वगैरह, जिससे आप डिटेल्स देखते हो। तो कुछ लोगों का वही मैक्युला डीजनरेट हो जाता है, तो उनके पास बस पेरिफेरल विजन बचता है,
तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है और काफ़ी सालों से काफ़ी लोग अलग अलग टेक्निक्स ट्राई कर रहे हैं इसे सर्च करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए। कुछ रिसर्च स्पेस स्टेशन पे भी चालू है जहां वो रेटिनास प्रोड्यूस करने ट्राई कर रहे हैं इन लोगों के लिए। कुछ पहले वाला रिसर्च भी था जहां वो स्टेम सेल्स इंजेक्ट करते थे आई के पीछे। इनका स्टेम सेल से रिलेटेड है पर थोड़ा अलग है। तो ये जो है वो ब्लड से मोनोसाइट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं टू स्टेम सेल्स और फिर वो इंजेक्ट करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि इन्हें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। होप करते हैं इसके ऊपर जल्दी ट्रीटमेंट आए क्योंकि बहुत टाइम का इशू है और इसे इस पर ज़्यादा सोल्यूशंस नहीं आ रहे हैं बाहर, जो भी है वो रिसर्च के रिलेटेड ही है। देखेंगे, होप करते हैं। 17th पे आता है वो है, यानी सेकेंड लास्ट वाला अपना, वो है IIT जोधपुर ने एक बायोफिल ब्रेक थ्रू किया बेसिकली। तो प्रोफेसर राकेश शर्मा जो है और उनके साथ एक रिसर्चर डॉक्टर कृष्णा प्रिया, इन्होंने कैटालिटिक सिस्टम डेवलप किया जिसमें नैनोमीटर साइज क्रैम गैलरीज है। ये सिलिका एलुमिना शीट्स बनाते हैं। अब ये क्ले रिलेटेड बेसिकली। अब जब इतने छोटे आप पोर्स बनाते हो तो क्या हो रहा है, आपका जो सरफेस एरिया है वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। और जब सिग्निफिकेंटली बढ़ता है बायोफिल के लिए तो जिनका बायोमास और हाइड्रोजन का रिएक्शन है वो जल्दी जल्दी हो सकता है। और जब जल्दी जल्दी हो सकता है तो ये एक सर्टन टेम्परेचर पे इन्हें पेट्रोलियम ग्रेड फ्यूल मिलेगा। तो उनका यह है कि जो नॉर्मल बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, पर इनके हिसाब से जो इनका कैटालिटिक कन्वर्टर है वो ज़्यादा फास्ट काम कर सकता है और इसे ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा हाई टेम्परेचर। तो अभी 18th को आने से पहले लूजली प्राइवेट स्पेस वालों को मेंशन करते हैं। इस साल देखोगे तो काफ़ी सारी एक्टिविटी हुई स्पेस रिलेटेड, इंडियन प्राइवेट स्पेस रिलेटेड। स्काईरूट ने अपना इंजन दिखाया, रमन अग्निकुल ने भी अपने इंजन के फोटोज तो दिखाए और कुछ जगह टेक्निकल डायग्राम्स भी दिखाया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था वो स्पेस। काफ़ी लोग मुझे डिफेंस के, मतलब मैंने जब ट्विटर पे डाला कि आपके क्या फेवरेट अचीवमेंट्स है, तो सब ऑलमोस्ट हाफ DRDO के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल वगैरह टेस्ट की, वो स्मार्ट टॉर्पीडोज वगैरह सब कुछ। तो मैं बेस्ट नहीं हूँ डिफेंस के लिए, मगर मेरे को डिफेंस का कुछ जानना है तो मैं डिफेंस डिकोड या अल्फा डिफेंस या डिफेंस स्क्वाड इन लोगों को फॉलो करता हूँ। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा आप उनको फॉलो करो। मुझे हमेशा रिक्वेस्ट आती है फॉर सम रीज़न कि ये डिफेंस करो वो डिफेंस कवर करो। देखो वो लोग एक्सपर्ट्स हैं वो फील्ड में, तो मैं स्टिक करके रहूँगा स्पेस और बाकी साइंस को, डिफेंस छोड़ के उनको ज़्यादा पता है, उनको फॉलो करो। लास्ट अचीवमेंट पे आते हैं वो है L&T का 3D प्रिंटेड बिल्डिंग, मतलब लार्सन और टूब्रो। ये L&T अपनी बड़ी कंपनी, इन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने से एक हफ्ते या ऐसे ही कुछ पहले आया न्यूज़, इन्होंने एक बिल्टा पेरा 700 square meter की टू फ्लोर वाली बिल्डिंग 3D प्रिंट की। उसके लिए इन्होंने अपना इन हाउस डेवलप कॉन्क्रीट मिक्स यूज़ किया जो रेगुलर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज़ करते देखो उसी से रिलेटेड था। कुछ जगह में इन्होंने रीइन्फोर्समेंट बार्स वगैरह डाले जैसे विंडो के ऊपर वगैरह, पर यूजुअली वो बस मशीन वहाँ लगाए 3D प्रिंट के ओपन स्काई में। तो एक काफ़ी बड़ी चीज़ है क्योंकि इमेजिन करो कल आपको सस्ता घर बनाना है तो वो L&T वालों को कॉल करोगे, वो आएंगे, वो मशीन डालेंगे और 2-3 दिन में घर बनेगा। ये 106 प्रिंटिंग आवर्स में बन गया था और वो फुल्ली ऑटोमेटिक, वो बस कमांड दिया और ख़त्म। तो ये घर बनाना काफ़ी सस्ता बना सकता है, नो डाउट। इसके बजाय काफ़ी अचीवमेंट्स है जैसे एक नया हाइड्रोजन कैटलिस्ट, IMD का फ्लैश फ्लड गाइडेंस, इंडियन स्टूडेंट्स जिन्होंने एस्टेरॉयड डिस्कवर किया, जिंक बैटरी, CO2 बैटरी, इंडियन सॉल्यूशन फॉर टॉन्सिल कैंसर, इंडियन सॉल्यूशन फॉर टंग कैंसर। ये सब मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक लिंक है वहाँ आप क्लिक करो और सब पढ़ सकते हो। सब्सक्राइब जरूर करो, ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रोड्यूसर्स थे कार्तिकेय देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, हरमन संगा, नारायण प्रसाद, सुमित रामडाड़े, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, गगनदीप भाटिया, Mark 7, संदीप रामकृष्णन, वीव, वैभव त्रिवेदी, भैरव हजारिका, सचिन यादव, कुशबी मेहता, आकाश पाटिल, विक्रम वर्मा। शुक्रिया सब मेंबर्स को और सब सब्सक्राइबर्स।